नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा चैनल में टी एस वी टेक सर्विस बुलेटिन में। तो काफ़ी लंबा समय के बाद हम लोगों को मौका मिल ही गया कि ग्रिप इंजन ऑटो बेसिक्स का कि रॉकर आर्म कैसे निकालते हैं और इसको कैसे अलाइनमेंट करते हैं, कितना इनलेट खुला हुआ रहना चाहिए, बल्ब कितना एग्जॉस्ट बल्ब खुला हुआ रहना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको बताऊँगा सिर्फ निकालने का प्रोसेस, बाकी जानकारी के लिए आप कमेंट कीजिए, उस कमेंट का सवालों का जवाब देने का कोशिश करूंगा आपको। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बिना देर किए हुए अपने वीडियो को पहले शुरू कर लेते हैं। तो जैसा कि आपने देखा ये टाइफिट कवर खुल चुका है। तो ये देखिए उंगली से इशारा करके बताया जा रहा है, इसको पहले खोलिए 94 एल की बोल्ट से, ये एल की बोल्ट है, इसको पहले अच्छी तरह से खोल लीजिए और खोलने के दौरान आप इसे देख लीजिए कि किस तरह से ये लगा हुआ है। और ये जो दिखाया गया हेड का बोल्ट 18 नंबर की 19 नंबर होता है, उसको भी खोल लें और स्टड को निकाल लें जैसा कि वीडियो में निकला हुआ है। उसके बाद आपका ये देखिए एल की बोल्ट से खोल रहा है और खोलने का दौरान अच्छी तरह से देख लीजिए कि ये किस तरह से कसा हुआ रहता है, क्योंकि कसना भी आपको वापस ये स्क्रू को, और जो नहीं कसिएगा तो फिर आपका रॉकर आर्म का जो रड रहता है वो बाहर निकल जाएगा, फिर आपका गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। तो ये देखिए ये खुल चुका है और खुलने के बाद हम लोग एक जुगाड़ टूल्स यूज करेंगे, तो उससे आप लोग भी निकाल सकते हैं। हम लोग के पास तो ऐसे स्पेशल टूल्स होता है निकालने के लिए, लेकिन ये हम लोगों ने स्पेशल वीडियो बनाया है कि जो गैराज में काम करते हैं या जो लोग घर पे काम करते हैं वो कपने कैसे निकालेंगे। देखिए एक 17 नंबर गोटी ले लिया है और उसमें एक बोल्ट डाल दिया है साइज के हिसाब से और 2 62 डाल दिया है, बोल्ट डाल दिया है तो ताकि एडजस्ट कर सकें। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालता है वीडियो में बने रहें। अगर जो वीडियो अब तक अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और कोई भी सवाल जवाब हो तो कमेंट जरूर करें, कोशिश करूंगा आपको कमेंट का सवालों का जवाब देने का। तो बाकी कोई भी ऑटो के बारे में जानकारी चाहिए बोल सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये कसा रहा है, अब ये कसाने के दौरान कैसे निकलता है और ये घूमेगा कि नहीं घूमेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो आप वीडियो में बने रहिए, आपको पता चल जाएगा कि ये निकलता है कि नहीं निकलता है। आप अपने घर पे भी या फिर अपने गैराज पे भी आप इसे यूज कर सकते हैं इस टेक्निक को, इसके लिए कोई स्पेशल टूल्स का ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसमें थोड़ा सा आपको लंबा बोल्ट लग रहा है क्योंकि गाड़ी पे इंजन चढ़ा हुआ रहेगा, तो थोड़ा सा ये इतना लंबा बोल्ट लगा के नट को नहीं कस पाइएगा, तो इसलिए छोटा बोल्ट लगाने का कोशिश कीजिएगा। ये तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि इंजन उतरा हुआ है। और इस इंजन के बारे में भी बताऊंगा कि ये इंजन क्यों हम लोग खोल रहे हैं। तो जैसे कि देख रहे हैं ये हल्का आवाज़ कर करके निकल रहा, तो ये थोड़ा सा निकल गया। अब इसमें देखिए दोबारा 62 लगा कर, ये देखिए 2 62 लगा कर टाइट कर रहा है, क्योंकि हमारा बोल्ट कुछ बाहर निकल गया तो थोड़ा सा गुना अंदर कसा था है, तो वो फिर एडजस्ट करने के लिए इसने 62 डाला। और ये देखिए आप साइड में वीडियो चल भी रहा है, आप ये देख सकते हैं इसका इंजन हम लोगों ने डिसमेंटल किया। अगर इंजन के बारे में भी कोई जानकारी चाहिए तो आप बता सकते हैं। तो बाकी आप देखिए ये देखिए टाइट कर रहा है, ये टाइट कर रहा है और यहाँ पे देखिए ये पेच का सवर रहता है, ये पेच से आवाज़ कर करके निकल रहा है, थोड़ा टाइट निकलेगा कोई दिक्कत नहीं है। और जो आपको अंदर से वोल्ट घूमने का दिक्कत हो रहा है या फिर रॉकर आर्म घूमने का दिक्कत हो रहा है, तो फिर आपके लिए उसको स्पेशल टूल से खोलना पड़ेगा। ऐसे तो घूमता नहीं है, हम लोगों ने अभी तक निकाला तो घूमा नहीं है, लेकिन बाय द वे घूम भी सकता है। और कसने के दौरान इसको हमेशा सेंटर में रख के ही ठोका कीजिएगा, क्योंकि ये फिर आउट हो जाएगा तो वो बोल्ट 94 की बोल्ट नहीं कसा पाएगा। तो जैसा कि देख रहे हैं ये निकलने वाला है, खुल गया है, लूज जा रहा है, ये देखिए थोड़ा सा निकल चुका है, काफ़ी हद तक निकल चुका है, जो हम लोग का बहुत ज़्यादा टाइट पोजिशन रहता है वो निकल चुका है, अब बचा है लूज वाला। तो हम लोग फिर से 62 डाल के इसको निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो में, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें। तो ये देखिए कसा गया, बस निकलने वाला है। चलिए दोगुना और टाइट कर पा लेते हैं, तो देखते हैं निकलता है कि नहीं। तो ये देखिए काफ़ी लूट जा रहा है, यानी कि हमारा करीब करीब निकल चुका है। अब ये हाथ से भी कसेगा
तो कसा जाएगा। तो काफ़ी हम लोग का निकल चुका है, बस ये निकलने वाला है। तो अब बस ये देखिए निकल गया। चलिए अब इसे बाहर निकाल के दिखाते हैं कि कैसा रहता है। तो चलिए बाहर निकालते हैं। तो देखिए ऐसा रहता है रॉकर आर्म का पिन, इसमें ओरिंग वगैरह रहता है और इसमें यहाँ पे पेच का साता है, वो भी दिखा देता हूँ। इधर इधर ये देखिए यहाँ पे ये वो चार नंबर की बोल्ट का सब रहता है। और ये दो वो है चूड़ियाँ, जिसे आप लोग चूड़ियाँ कहते हैं। तो टेक्निकली भाषा में इसका रॉकर आर्म नाम है। और भी कुछ जानकारी चाहिए तो ज़रूर आप कमेंट करें, कोशिश करूँगा आपका सवालों का जवाब देने का। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें।